सब्जी का काम था उनका, मेरे साथ ही घर थे, मैं उनके साथ ही रहता। जब से तो खत्म हुई, जब से मेरी हालत खराब है, मेरी हालत खराब है जब से, ये घुटने बेकार हो गए मेरे। पहले मैं सही था, उनके जिंदगी में सही था, उनके संग बेचता था, मंडी भी जाता, लेकिन उनके डेथ होने से अब मेरी हालत खराब है, मेरी हालत बहुत खराब है जब से, न मरने में हूँ न जीने में हूँ। आप दोनों साथ जाते थे? आप दोनों साथ जाते थे? मुझे साथ भी चला जाता, अकेला भी मैं अपने आप सब्जी ले आता था, वो बेचते थे, कभी वो जाते थे, कभी मैं जाता था। लेकिन अब मेरे जब से पैर भी बेकार है गए, घुटने बेकार है मेरे। तो खबर कैसे है आप तक पहले हैं? अब उनके साथ उन पर ऐसे हमला हुआ या? मैं ऊपर सो रहे थे जी, सो रहे थे, मुझे ना पता, मैं तो जब वो उठ के भाग गया, सो को जो घेरा था, उठ के सो रहा था, सोता उठ के भाग गया वो, तो बोले भाभी गेट खोलिए, गेट खोलिए, मुझे ना पता, मैं तो सो रहा था। लेकिन मैं जब पहुंचा हूँ, जब उसको गोली लगी, उसे गोली लगते हुए तो गिर गए, उन्हें खींच के ला रहे थे लोग, छोटे भाई ने देख लिया गिरते हुए उसे, जैसे गोली लागी उसे, वरना पे लोग सर काटने को भाग रहे थे, लेकिन वो छोटे ने देख लिया था गिरते हुए, तो वो लोग खींच लाए उसे, तो उन्हें हौसला लगते ही साथ ही कि मैं कहा बीहेडिंग की बात सुन, नई बात आई बीहेडिंग की, गिरते के साथ ही उन्हें जो हौसला आया कि मैं कहा, लोग खींच लाए उसे, यहाँ ला के गली पर डाल दिया। मैं तो जब लाया पहुँचा हूँ, जब उन्हें यहाँ गली पर ले आए खींच के, मुझे ना पता, मैं सो गया था। फिर क्या था? मैं तो पहुंचा अस्पताल लेके भाग गए, ये लोग मोहल्लाबाद थे, अस्पताल लेके भाग गए, और शास्त्री पार्क पहुंचे, शास्त्री पार्क वहाँ रेफर कर दिया टेक बहादुर के लिए, वहाँ पहुंचे। मैं तो जब पहुंचा फिर मुझे ना पता क्या हुआ, मैं तो बेहोश हो गया, पता क्या हुआ, बस मेरे घर का सहारा ऐसे चला। वो मेरा बहुत बढ़िया लड़का था। अगर मुझे जरा भी दुख होता तो भाग के आता था, पापा का है, पापा का जो, और भैया सही है, जैसा कर दिया वैसे ठीक है। और अब कौन कौन है परिवार में? आप हैं? हाँ जी, दो बच्चे हैं मेरे। ये आपके बच्चे हैं दोनों? नहीं, ऊपर है, ऊपर है। हाँ, एक स्कूल गई, अभी आई नहीं। क्या उम्र है दोनों की? एक 12 साल की है, एक 9 साल का है। तो अभी आप क्या कर रही हैं? बस थोड़ा बहुत पापा ही करते हैं, और बाकी मैं सिलाई विलाई कर लेती हूँ घर में। तो बच्चों को संभालना तो बहुत मुश्किल है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई क्या करें, सब बड़ी परेशानी में जान है। हम तो जो है न मरने में है न जीने में। अरे मैं तो ये तो कौन पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं तो रात को भी दिन को भी, दिन और रात को भी आँख खुल जाती, रोता ही हूँ। मेरे को यार, मेरे को सेवा 4 साल से लगातार, बहुत अच्छी सेहत थी, अब मैं ऐसी किसी की सेहत ना जी उसकी थी। आप सैनी जी की भाभी हैं जी, 4 साल हो गए इस घटना को जी पूरी तरह से, क्या हुआ था उस दिन? वही 3-4 का टाइम था, सुबह का ही था। और तारीख क्या थी? तारीख थी 24 की थी शायद, 24 फरवरी 2020 हाँ जी। तो आधी सी रात से मतलब डर तो यही था कि 3 नंबर में गोली चल रही है, वहां मोमडनों की लड़ाई हो रही है, और ये सुनने में तो 11 बजे से ही चल के आ रहा था, रात से ही हाँ, खौफ का माहौल था, मतलब इतनी घबराहट थी कि डर सब बैठा हुआ था अंदर के, कब क्या हो जाए। फिर आधी सी रात में हाय हाय करके हल्ला समझा कि वो सब अंदर गलियों में घुस रहे हैं जी। अब इन्होंने सबने कहा वो अंदर घुसेंगे, बहन बेटी सभी हैं, तो उनको बाहर की तरफ ही रोका जाए जी। तो मॉब जो थी वो अंदर की तरफ आ रही थी हाँ, वो 1 नंबर गली से
जी, अंदर की तरफ गलियों में घुस रहे थे घरों में। तो क्या वो कैसे आ रहे थे उनको, मतलब खाली हाथ? नहीं, हथियार थे सबके पास, हथियार थे उनके पास। ये देखा यहाँ लोग? हाँ, सबके पास हथियार थे, कट्टा वगैरह, तलवार, चक्कू सब थे उनके पास। और फायरिंग भी कर रहे थे? फायरिंग भी कर रहे थे। और कितनी संख्या रही होगी? 1500 तो थे, 1500 थे सारे। और ये कहाँ से आए थे, लोकल थे या बाहर? बाहर के थे उसमें ज्यादातर, बाहर के भी थे बट इधर के भी थे, बट बाहर के ज्यादा थे उसमें, अननोन पर्सन ज्यादा थे उसमें। मतलब ऐसा लग रहा था तैयारी के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। जरा से भी हल्ला होता था ना तो मैं पहले कह दिया दुकान वकान बढ़ाओ, लेकिन ये रात का टाइम था, दुकान तो बढ़ा के आ चुके थे वो। उधर से आए, जब मोड़ पे रोक लिया, इतना हुआ भी नहीं, पथराव से थोड़ा सा हुआ तो एक गोली आके इनके पेट में लग गई। तो ये घर से गए थे या? ये घर से गए थे, घर में से गए थे यहाँ से। यहाँ शोर शराबा सुन के क्या हुआ? हाँ, देखते जब गली के सारे भागे, सबने कुंडी खटखटाई, हमने सोचा घर में ही है, हम इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, हमारे घर में कोई ऐसा लड़ने वाला बंदा है भी नहीं, तो हमने सोचा घर में ही है सारे। लेकिन पता लगा कि वो हमसे पहले बाहर पहुंचे हुए तीनों भाई, अब इनके गोली लग गई तो ये गिर गए, अटक उटक के गिर गए होंगे। अब छोटे वाले देवर, उन्होंने देखा कि ये तो भाई है मेरा, वो लाश से उंडेल के ऐसे करके देख रहे हो उसे, वो तो खींच के ले आ रहे उधर की तरफ। अब खींच के ले जा रहे, खींच के ले आ रहे, गोली लगने के बाद भी गिर गए थे ना ये, उसके बाद खींच के ले, उसके बाद खींच के ले आ रहे थे, तलवारें थी उनके हाथ में, तो एक का तो सर ही काट लिया था उन्होंने। यहाँ इनको खींच के अपनी तरफ ले जा, अपनी तरफ ले आ रहे थे, हाँ गिर गए थे ना नीचे, वो पैर खींच के ले आ रहे थे उधर। वो छोटे वाले भाई ने फिर कंधे पे लाके गली के नुक्कड़ पर डाल दिया, फिर हमारे गली के तो सारे इधर की तरफ ही आ गए थे, क्योंकि उनको गोली लग चुकी थी। अब उनको जल्दी जल्दी यहाँ शास्त्री पार्क में, जग प्रवेश में ले गए, यहाँ उन्होंने लिया नहीं, जीटीवी के लिए रेफर कर दिया उनको। अब वहाँ भी वो डॉक्टर ने भी दगा करा कि इसे गोली निकाल दिए, गोली निकाल दिए, गोली पोस्टमार्टम या पीछे रीढ़ की हड्डी में घसी पड़ी। 10 दिन के बाद ख़त्म हो गए थे वो, होश ही नहीं आए, यहाँ से गए तो होश नहीं था उनको बिल्कुल भी। बहुत मुश्किल समय रहा होगा परिवार के लिए। बहुत मुश्किल, अभी भी वो चीज़ थोड़ी सी आई थी ना तो कपकपी लग जाती है हाथ पैरों में। अभी बच्चे छोटे छोटे देखती हूँ ना तो ये सोचती हूँ कैसे क्या होगा आगे वाला टाइम है, घबराहट लगती है यहाँ पे कि और कोई बेचे उससे पहले हम ही बेच दें, लेकिन ये चीज़ तो साय की तरह साथ चली। ये मन में आता है कि बेच के अब जाना? हाँ बिल्कुल, नहीं कि पता नहीं फिर कब हो जाए क्या हो जाए, घबराहट होती है क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, इनकी परवरिश ढंग से नहीं हो तो ये क्या करेंगे, क्या देखेंगे, ये अंदर खौफ बैठा रहता है अंदर। आसपास लोगों ने बेचा भी नहीं, लेकिन बात होती है आपस में, बात होती है कि निकल लो, क्योंकि पीछे सब यही आ गए, पूरी गली कवर कर ली पीछे वाली उन्होंने।